तो दोस्तों, तो आज जा रहे हैं हम माँ ज्वालपा देवी की तरफ। तो आज आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे। अभी हम पौड़ी में हैं और दिन के लगभग 11 बज चुके हैं और अब हम पौड़ी से मूव करेंगे ज्वालपा देवी की तरफ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के गेट के पास और आपको ये दर्शन कराते हैं। चलो, जय माँ ज्वालपा। दोस्तों, ये हमारे पीछे पूरी टीम। अच्छा, फिर मौसी लोग और पीछे मम्मी लोग और चले, मेरी माँ लोग भी हैं। चले, और ये है दोस्तों मंदिर का रास्ता। जिस तरह से आप देख रहे हैं, प्रॉपर सीडिंग हो रखी है। अगर आप बारिश में, बरसात में, धूप में कभी भी आएँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी आने में। आप किसी भी महीने में आए, साल भर में, और ये हमेशा 12 महीने खुला रहता है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर का संपूर्ण इतिहास। थोड़ा सा वो झाड़ियों के पीछे है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर तो रहा हूँ। हम और मौसा जी हमारे, हम पहुँच चुके हैं मंदिर में, ज्वालपा देवी मंदिर में, माँ ज्वालपा के दरबार में अब पहुँचे हैं। यहाँ से अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। जा रहे हैं अंदर दर्शन करने। चलिए चलते हैं। चलते हैं। मुख्य मंदिर के अंदर अभी हम बैठे हैं सबके सब यहाँ पे। और धूप से भी ये सब लोग बैठे हैं अभी यहाँ पे, मौसी, सूरज, ये सब लोग। और ये हम सब परिवार पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर। ये सबके सब, सुनील रावत, ये हमारे मौसा जी। अभी एक परिवार अंदर गया हुआ है मंदिर के, तो जब वो बाहर आएंगे फिर हम अंदर जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं अंदर। ये है ज्वालपा माता की आरती। तो आप दोस्तों घर बैठे भी इस मूर्ति, माफ कीजिएगा, घर बैठे भी आप इस आरती का सुगन करके या आरती पढ़ के आप माता के पैरों में अरदास लगा सकते हैं। ये पूरी आरती मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग देश दुनिया में कहीं भी रहें तो इस आरती के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से
माँ के दर्शन कर पाएं। आपकी तरफ से मैं घंटी भी बजा देता हूँ। दोस्तों अब हम आ गए मंदिर के अंदर, ये माता का स्थान, इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये है माँ ज्वालपा का स्थान, ये माँ का भी एक रूप। तो घर बैठे दर्शन कीजिए और लाभ लीजिए। दोस्तों ये है माता का स्थान, दोस्तों आप देश दुनिया में कहीं भी रहें जरूर आजकल अपने देवी देवताओं के पास जरूर आए। दोस्तों दर्शन करने के बाद, माता देखने के बाद अब हम चले बस पार की तरफ। अब करते हैं परिक्रमा, परिक्रमा चलिए। ये सब मंदिर के प्रांगण में ही दोस्तों बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां भी लगी हुई हैं, ये देखिए। इधर शनि महाराज का, दोस्तों यह है मंदिर प्रांगण पूरा। दोस्तों हम सब परिवार मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और अब खाना खाएंगे और इस वक्त चलते हैं फिर पौड़ी की तरफ। चलिए तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण इसको यहीं रुकते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में सीधा कंडोलिया मंदिर पौड़ी में। चलिए।